सारी जिंदगी गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते हमने बिताने का काम किया। और मैं चुनौती भरे शब्दों में कहने आया हूं कि किसी की मंशा हो कि इस गांव में गरीबों को अपमानित करने या उनकी जमीनों पर कब्जा करने या उनको परेशान करने का काम किया जाएगा तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, इस गांव में किसी गरीब के सम्मान के खिलाफ एक उंगली कोई उठा देगा तो उस वह उंगली साबित बचने वाली नहीं है, ये मैं बता देना चाहता हूं। रामलाल अकेला न कल कमजोर था न आज कमजोर है, केवल आप सबसे यही विनती करने आया हूं कि जो अन्याय और जुल्म मेरे साथ हुआ है उसका बदला आप सब लोगों को मिलकर के लेने का काम करना होगा। और मैंने भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन किया कि आज कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे लेकिन 10 तारीख के बाद आपको हंसने का नंबर आएगा और उनके रोने का नंबर आएगा, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। रामलाल अकेला आपके बीच में रहेगा और किसी भी तरीके से आपको किसी को घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि जो आरी मेरी गर्दन पे चलाई गई है ये केवल रामलाल अकेला के गर्दन पे आरी नहीं चली है, क्षेत्र के गरीबों के गर्दन पे आरी चलाने का काम किया गया। मैं खड़ा हूं इस गांव और पुरवा के लोगों का जो भरपूर प्यार और सहयोग और विश्वास मेरे ऊपर था उसे सारे जीवन कभी जिंदा रहते हुए भुला नहीं।